स्पीकर इधर बंद कर रहे। जो लोग डूब क्षेत्र में हैं, प्रभावित हैं और मुआवजा नहीं मिला है, उनको ये हम लोग पुनर्वास पदाधिकारी को लिख रहे हैं कि आप एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में कैंप करके जो 181-182 लेवल पर जहां तक प्रभाव पड़ेगा वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में उनका भुगतान कर दें ताकि उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जा सके। जब भी बरसात आती है तो आपदा की बैठक में इस तरह का बातें होती है और अफसर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम लोग भुगतान प्रक्रिया चालू कर देंगे और बहुत जल्दी संपूर्ण रूप से भुगतान कर देंगे, लेकिन हम लोग के नज़र से कहीं ना कहीं विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है, बड़ा असंवेदनशीलता है विभाग में। अगर विभाग थोड़ा भी संवेदनशीलता विभाग में होता तो आज कम से कम ये नौबत नहीं आती। ये जो बैठक में आज जो भी मैंने विभाग के प्रतिनिधि आकर के बात को रखा है तो ये मैंने यहाँ के विस्थापितों के साथ निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि ये और एक बार छलने का काम विस्थापितों को करने जा रही है। ये उनको फ़ोन किए थे कोई तो हमने कहा कि भाई अरे यही बात हम कह रहे हैं कि पहले मुआवजा करके इसके प्रशासक से बात करेंगे कि भाई आप मुआवजा तो दीजिए ताकि दूसरे जगह लोग शिफ्ट किए, मगर दुखद बात है कि जो मुआवजा लिया है वो भी शिफ्ट नहीं किया, उनको आज न कल करना ही होगा, इसलिए उनको करना चाहिए। जो नहीं मिला है वो सही है, मगर जो मिला है उनको भी अब प्रशासन कहता है कि हम पेमेंट करते हैं देते हैं मुआवजा, उसके बाद भी लोग नहीं जानता ये वो करता है, तो हम तो एक ही दबाव देते आए हैं देंगे भी, कभी इस पानी का कोई उपयोग नहीं, कहीं कोई उपयोग नहीं है सिवाय मछली पालने का, तो मछली पालने पर पानी है ही है, आदमी को डुबाने वाला काम काहे करेगा, इसलिए उसको हम लोगों को उससे बचाएंगे। और फिर जिनका नहीं बकाया है हमने कहा है कि आप लिख के दीजिए जिनका जिनका बकाया है, उससे प्रशासक से बात करके पहले इंप्लीमेंट कीजिए तब पानी भरी। हमारे स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद ने कह रहा है कि विस्थापितों के हित में 181 से ज़्यादा पानी नहीं रखा जाए और विस्थापितों का मुआवजा सब भुगतान किया जाए, तो ये बारिश आने के समय इन लोग को चेतना होता है, जबकि उनको आज 5 साल गुजारने जा रहा है, अगला 1 साल उनके समय है हाथ में, और एक दोनों प्रतिनिधि हमारे दोनों प्रतिनिधि का सरकार है, अगर बात को सरकार में रखें तो हमारा जो भी समस्या समाधान हो जाएगा। उसको ऐसा है कि यहाँ का जो भी मैंने विस्थापितों जो बेघर हो चुके हैं जिसका को रखें, ये सिर्फ राजनीतिक मतलब करने का कोशिश नहीं करें।